वेलकम बैक। देश ने रक्षा में तैनात जाबाजो साथे न्यूज 18 ने विताव्या केटला कलाको। केवी रीते देश ने समुद्र सुरक्षा थाय छे, केवी छे समुद्र नी सुरक्षा, आ तमाम गतिविधियों वच्चे न्यूज 18 गुजराती पर तटरक्षक नी वात। रक्षा मह आ सूत्र साथे तटरक्षको आगळ वधता आव्या छे ने आ सूत्र ने तेओ पोताना जीवन में वर्णी ले छे। साथे ज ए पण जाणवानो प्रयास करीशुं के ज्यारे अरब सागर में न्यूज 18 पहोंच्युं छे तो डीआईजी खुद अमारी साथे छे अनिकेत सिंह, तेमनी पासेथी जाणीशुं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सजाग में हम सवार होके जा रहे हैं, क्या ये सजाग किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल है कोस्ट गार्ड के लिए, कौन से नंबर की ये शिप है और किस तरह से ये अलग सा रोल प्ले करती है? सजग का मतलब जैसे आप जानते हैं अलर्ट, तो मैं कहूँगा ये एक अलर्ट शिप है और ये कोस्ट गार्ड के बड़े जहाज़ों में एक है और कोस्ट गार्ड के मॉडर्न जहाज़ों में एक है। ये जहाज़ रिसेंटली 7-8 महीने पहले ही कमीशन हुआ है। ये जहाज़ काफ़ी सारे रोल एक बार में अदा करने की क्षमता रखता है। इस जहाज़ में क्लोज रेंज एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। इस जहाज़ में सर्च एंड रेस्क्यू की फैसिलिटी है। इस जहाज़ में एक्सटर्नल फायर फाइटिंग जैसे आप देख सकते हैं उसकी सुविधा है। अगर किसी दूसरे जहाज़ में समुद्र में आग लग गई है तो हम उसको इससे बुझा सकते हैं। ऑयल स्पिल रिस्पांस के लिए कुछ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं और इसके अलावा बोर्डिंग ऑपरेशन और इंटरडिक्शन ऑपरेशन भी ये बखूबी कर सकता है। सजग के साथ पीछे एक और शिप हम जो देख रहे हैं वो कौन सी शिप और उसकी भी क्या खासियत है अगर आप बता सकें? पीछे वाला जो शिप है वो सार्थक है, कोस्ट गार्ड शिप सार्थक। ये भी इसी क्लास का एक जहाज है और जैसा मैंने बताया ये भी मल्टीपल रोल एक साथ अदा करने की क्षमता रखता है। तकरीबन इसमें 115 से 120 लोग सवार होते हैं जो कि कोस्ट गार्ड के रोल उसको परफॉर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अनिकेत जी, एक और बड़ी जो चुनौती है, 1600 किलोमीटर लंबा ये दरियाई विस्तार है। एक तो पाकिस्तान मरीन्स की मछुआरों को किडनैपिंग की कभी घटनाएं हमारे सामने आती या तो एक ड्रग्स के केस के लिए आती है, तो किस तरह से कोस्ट गार्ड जो है इसको बंद करने के लिए, इनको रोकने के लिए अथक प्रयत्न करता है? जी, मैं रादर 1600 ही नहीं बोलूँगा, मैं भारत की 7500 से भी ज़्यादा लंबी जो समुद्री सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए बोलूँगा। यस, हमारे सामने ये सारी चुनौतियाँ जैसे आपने बताया है, लेकिन हम जो हमारे फिशरमैन कम्युनिटी है उनके साथ हम कम्युनिटी इंट्रैक्शन प्रोग्राम, कम्युनिटी इंटीग्रेशन रादर मैं बोलूँगा, इंटीग्रेशन करके उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं कि उनको किस इलाके तक जाना चाहिए और किस इलाके के पार जाने पर समस्या हो सकती है, किस तरीके से उनको डिस्ट्रेस में कोस्ट गार्ड को बुला लेना चाहिए, किस तरीके से बड़ी सिस्टम के तौर पे उनको जाना चाहिए जिससे अगर 2-3 बोट साथ में हैं तो अगर एक किसी को तकलीफ आई तो दूसरा उसकी जाके मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग वी आर ट्राइंग टू रेज द अवेयरनेस अमॉन्ग फिशरमैन पॉपुलेस। शुक्रिया अनिकेत सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो हाल में जो परिस्थिति है गुजरात नहीं हो के पीछे आखा भारत दा देश नहीं सुरक्षा ने लेने 26/11 सब कोई ने याद हे, 26/11 में मुंबई में दरिया कई रीते उपयोग कर सब कोई ने याद हे, परंतु ये 10 થી વધુ વર્ષનો જે બદલાવ છે તે હવે જોવા મળી રહ્યો છે કે મેક ઇન ઇન્ડિયા જેવી અનેક શિપ્સ આવી ચૂકી છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયાની આ સજાગ છે અને પાછળ સાર્થક જે ચોથી શિપ છે તે બનીને તૈયાર થઈ છે, હજી પણ એક પાંચમી શિપ જે છે તે ગોવાની અંદર તૈયાર થઈ રહી છે, પરંતુ વયમ રક્ષા મહા ભારતીય તટરક્ષકનું આ સૂત્ર તેઓ તેમના જીવનમાં વણી ચૂક્યા છે અને તેને લઈને જ તેઓ હંમેશા આગળ આવતા રહેશે। તો આ સાથે જ અન્ય મહત્વના સમાચારો મળી રહ્યા છે। થોડી જ વારમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે, પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે જગદીશ ઠાકોરનું નામ લગભગ નક્કી ગણવામાં આવી રહ્યું છે, સુખરામસિંહ રાઠવાને વિપક્ષ નેતા તરીકે નામ નક્કી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે એક નામ જે છે તે ઠાકોર સમાજમાંથી લેવામાં આવશે તે લગભગ પહેલાથી જ નક્કી ગણાઈ રહ્યું હતું। આ સાથે જ વધુ કેટલાક કાર્યકારી જે અધ્યક્ષ છે તેની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી શકે છે તેવી પણ માહિતી બહાર આવી હતી। આ અંગે વધુ માહિતી સંવાદદાતા રચના ઉપાધ્યાય આપી રહ્યા છે। રચના, વૈસે તો અગર દેખા જાય તો બહુત દિનોથી યે બાતે ચાલ રહી હૈ કે કભી ભી કિસી ભી સમય પે ગુજરાત મેં પ્રદેશ અધ્યક્ષ જો હૈ ઉનકે નામ કી કભી ભી જાહેરાત હો સકતી હૈ, મગર અભી તક કોઈ નામ લિયા નહીં ગયા હૈ, મગર અભી દો નામ જો હૈ વો સામને આ રહે હૈ ઓર માના જા રહા હૈ કે લગભગ યહી નામ તય હૈ ઓર કભી ભી સમય ઇસકો લેકર જો કોંગ્રેસ હૈ વો કુછ બતા સકતી હૈ।
देखिए, गुजरात कांग्रेस विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का जो इंतजार है वो लंबे समय से गुजरात के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसको लेकर एक मैराथन दौड़ की तरह से मीटिंग्स का दौर चलता रहा है यहाँ पर। लेकिन अब जिस तरीके से रघु शर्मा अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने जिस पूरा जो चार्ज लिया उसके बाद लगातार मीटिंग्स हुई, राहुल गांधी से भी वो पर्सनली मिले और आज एक अनऑफिशियल बैठक के लिए भी ये बताया जा रहा है कि रघु शर्मा राहुल गांधी से मिलने वाले हैं और उनके साथ जगदीश ठाकुर जिनका नाम सबसे पहले चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए और नेता विपक्ष के लिए सुखराम राठौर का नाम जिस तरीके से चल रहा है, तो इन दोनों को लेकर एक मीटिंग हो सकती है। और जो लंबे समय से हम कयास लगा रहे हैं कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नया कौन होगा, तो इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि उस नाम पर मोहर लग जाए और लंबे समय का इंतजार यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि अभी भी इस नाम पर मोहर लगेगी या लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आलाकमान पहले साफ कर चुकी है कि जो भी अध्यक्ष होगा उसको, जिसको भी वो अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी जो पूरे गुजरात में कांग्रेस की जो बागडोर है वो संभाल सके, जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को साथ लेकर चल सके और कांग्रेस की जो योजना है, कांग्रेस की जो रणनीति है उसको लेकर आगे जा सके। जी बिल्कुल रचना, धन्यवाद जानकारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन हशे गुजरात में, एक तरफ 2022 से चूंटनी घर आंगणे आवीने उभी छे, बीजी तरफ कांग्रेस में हजी सुधी प्रदेश अध्यक्ष ना पण रेकाड़ा नथी पड़्या, साथ ज नेता विपक्ष कौन हशे दिनेश शर्मा ना राजीनामा बाद हजू ते पण सवाल त्यानो त्यां छे। त्यारे आ अंगे वधु माहिती आपवा संवाददाता प्रणव पटेल मारी साथे जोड़ाई रहा छे। प्रणव, खूब ज महत्वनुं बनी जाय छे ज्यारे कोई पण राज्य में चूंटनी आवती होय ने ते पण वात जो गुजरात नी होय ज्यांथी प्रधानमंत्री अने गृहमंत्री बिलोंग करे छे तेवा राज्य में चूंटणी योजावा जई रही छे, अने हजु सुधी कांग्रेस जे देशनी एक समयनी सौथी जूनी पार्टी तेना गुजरातना प्रदेश प्रमुख कोण हशे के नेता विपक्ष कोण हशे तेना पण ठेकाणा हजी सुधी नथी पड्या। बे नामो सामे आवी रह्या छे, जो के तेना पर पण फाइनल मोहर लागशे के नहीं ते पण एक मोटो प्रश्न आज छे। जनरल न्यूज टीम ने सौथी पहला समाचार ब्रेक कर्या हता के कांग्रेस पार्टी ना जे प्रदेश प्रमुख छे ते टूंक समय में जाहेरात थई जशे, तेनी अंदर जगदीश ठाकोर, दीपक बाबरिया अने शक्तिसिंह गोहिल आ त्रण मुख्य नामों छे ते चाली रह्या हता। तेनी अंदर हाल जे न्यूज टीम पासे अपडेट मळी रह्यु छे दिल्ली हाईकमांड तरफथी, दिल्ली कांग्रेसना नेताओं तरफथी, ए छे के जगदीश ठाकोरनुं नाम महदअंशे फाइनल कर देवायुं छे, परंतु सत्तावार रीते आ नाम हजु जाहेर करायुं નથી। એ જ રીતે વિપક્ષના જે નેતા છે સુખરામ રાઠવાનું નામ છે તે ફાઇનલ કરાયું છે। ન્યૂઝ રીતે આ પણ સમાચાર બ્રેક કર્યા હતા, આપણા દર્શકોને માહિતી આપી હતી કે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક સ્ટ્રેટેજી બનાવી છે કે જેમાં એક માહોલ ચાલી રહ્યો હતો કે ઓબીસી સમાજમાંથી પ્રમુખનું પદ મળશે અને વિપક્ષ પદ છે તે પાટીદાર સમાજમાંથી મળશે, પરંતુ ન્યૂઝ રીતે આ સમાચાર બ્રેક કર્યા હતા અને આપણા દર્શકોને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસે પોતાની સ્ટ્રેટેજી છે તે બદલી છે અને તેની અંદર તેઓએ જે નવું નામ છે તે એડ કર્યું હતું, તે આદિવાસી સમાજમાંથી કોઈ વ્યક્તિને સ્થાન અપાય તે પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટીના શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ અહીં બનાવી છે। અને આપનો જે પ્રશ્ન છે તે વ્યાજબી એટલા માટે બને છે કે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે અમિત ચાવડાએ રાજીનામું આપ્યું તેને અનેક મહિનાઓ થઈ ગયા છે, વિપક્ષ નેતા તરીકે પરેશ ધાનાણીએ રાજીનામું આપ્યું તેને અનેક મહિનાઓ વીતી ગયા છે, તે ખુદ સામે ચાલીને પાર્ટીને કહી રહ્યા છે કે આપ નવા નેતાઓની અહીં નિમણૂક કરો જેથી જે 2022 ચૂંટણીઓ આવી રહી છે તેની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ કરી શકે, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું જે શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ છે કે હજુ પણ જસમંજ સ્થિતિમાં જોવા મળી રહ્યું છે, કન્ફ્યુઝ છે આ તેવું અહીં લાગી રહ્યું છે, કારણ કે અનેક નેતાઓની ત્યાં જે રાહુલ ગાંધીના બંગલે જે કહી શકાય કે 23 પણ વધુ નેતાઓ ત્યાં હાજરી આપે છે, એક દિવસનો આખો સમય સ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે, તેની વાતચીત કરવામાં આવે છે, 1-to-1 નેતાઓને સાંભળવામાં આવે છે, ખુદ જે પ્રદેશના પ્રભારી રઘુ શર્મા છે તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસ આવે છે, 10 દિવસનો તેઓનો પ્રવાસ રહે છે, ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્રની દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં તેઓ ફરે છે, ફીડબેક કોંગ્રેસના નેતાઓ પાસેથી લે છે, ધારાસભ્યોથી ફીડબેક લે છે, તેમ છતાં પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના નેતૃત્વ પોતાના સુકાની ગુજરાતના કોંગ્રેસે પોતાના કેપ્ટન કોણ છે અને તેના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે તે હજુ અસમત સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ ચોક્કસ એ માની શકાય કે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમનો અંત આવી રહ્યો છે અને કદાચ માની રહ્યું છે કે આજ મોડી સાંજ સુધી આવતીકાલ સુધીની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના પ્રદેશ પ્રમુખ છે તે અહીં જાહેર કરશે, વિપક્ષના નેતા પણ જાહેર કરશે, અને સાથે એ પણ અપડેટ અહીં જણાવી રહ્યું છે કે સાથે કાર્યકારી 4 પ્રમુખો અહીં કોંગ્રેસ પાર્ટી મૂકશે, તેમાં કોળી સમાજમાંથી જે સ્થાન છે તે આપવામાં આવશે, દલિત સમાજ છે તેમાંથી સ્થાન અપાશે, એટલે 2 મુખ્ય કોળી
चेहराओ कोड़ी समाज माथी अने दलित समाज माथी चेहरा हशे ते कोंग्रेस पार्टी ना कार्यकारी प्रमुख हशे। तो जे रीते विपक्ष नेता की पसंदगी करवामां आवशे तो साथे ज दंडक की पसंदगी में पण अहीं फेरफार करवामां आवशे। उपनेता की पसंदगी में पण अहीं फेरफार करवामां आवशे। आ स्पष्ट थई रह्युं छे कारण के न्यूज टीम आ पहला पण आपणा दर्शकोने कह्युं हतुं के कोंग्रेस स्थिति पोतानी जे जी बिल्कुल એટલે લગભગ બે નામ નક્કી અને રાહ જોવાઈ રહી છે કે આ નામની ક્યારે જાહેરાત કરવામાં આવે। આભાર પ્રણવ। અને સમાચારો, મધ્યપ્રદેશના સિહોરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કોરોના રસીકરણ માટે ગ્રામજનોમાં ઘણો ઉત્સાહ છે। અહીં ચંદેરી ગામના લોકો આસપાસના ગામડાઓમાં પણ પોતાના લોકગીતો દ્વારા કોરોનાની રસી લેવા માટે લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે। सौ फीसदी टीकाकरण की खुशी, गांव गांव कोरोना गीत से अपील। सब मिल वैक्सीन लगवाई लो रे भैया, क्योंकि टीका है संजीवनी, लगवाया क्या। मध्य प्रदेश में सीहोर के चंदेरी गांव और उसके आसपास के गांव में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का बीड़ा खुद चंदेरी गांव के ग्रामीणों ने उठाया है, जो अपने लोक गीतों से कोरोना टीका लेने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने मालवी भाषा में खास कोरोना गीत भी तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही अपील है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी यह अपील है। तो हम ग्रामवासियों ने एक अनोखे अंदाज में लोकगीत गा करके देशवासियों को, ग्रामवासियों को गांव-गांव जा करके ढोल मंजीरा के साथ वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश में अब शत प्रतिशत टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। लोग भी अब समझ रहे हैं कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना बेहद जरूरी है। चंदेरी गांव और उसके आसपास के कई गांव अब 100% टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। बाकायदे नियम का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। लाइन से महिलाएं की अलग लगी है, पुरुष की लाइन अलग लगी है और बाकायदे वैक्सीन का काम प्रारंभ है। और मुझे उम्मीद है कि ये गांव पूरी पूर्ण रूप से आज वैक्सीन लग जाएगी। इतना डोज है कि गांव पूरा हो जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ कोरोना टीका सबसे कारगर उपाय है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारें भी 100% टीकाकरण के लिए अपनी भागीदारी निभा रही हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेकर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।